ना तो वहां से भी निकल के वापस आ जाओगे। और कुछ लोग आके बोलते हैं जब मैं ऑडिशन दे रहा होता हूँ कि सर हम छोटी सिटी से हैं, तो मैं बोलता हूँ छोटी सिटी नहीं होती, छोटी सोच होती है यू नो कि जो तुम्हें छोटा रखती है। हमारे देश के जितने भी एथलीट हैं, जितने भी यू नो ओलंपिया में खेलते हैं, वो सारे छोटी सिटी से हैं, उनकी मेहनत काम आती है ना। तो मैं बोलता नजरिया बदलना पड़ेगा, खुद पे बिलीव करना पड़ेगा ज़्यादा, लोगों पर कम, तभी तुम आगे बढ़ोगे। थैंक यू, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं तो यार, इट्स अ वेरी फनी थिंग, ओके, बट नजरिया बदलो, मैं तो पीछे पड़ जाती हूँ लोगों का नजरिया बदलने के लिए। आई कैन टेक इट ऑन माय ईगो, ओके, नहीं यार ये ऐसे कैसे सोच सकती है। एंड लाइक आई बिलीव कि किसी को बोलने से नजरिया बदल नहीं सकता, अनलेस यू प्रीच इट, यू प्रैक्टिस इट ऑन योर ओन। बींग एन इन्फ्लुएंसर, आई मेक श्योर दैट जो भी मैं करूँ, आई डोंट हैव टू टेल द पीपल कि यू नो यू शुड डू दिस, यू शुड डू दैट। प्रॉब्ली आई विल जस्ट डू, जैसे जैसे मैं चल रही हूँ, एंड इफ आई एम गेटिंग सक्सेस लिटिल बाय लिटिल लिटिल बाय लिटिल, आई थिंक इट्स अ ग्रेट एग्जांपल फॉर देम, एंड दे शुड जस्ट लाइक काइंड ऑफ डू व्हाट दे वांट टू डू। सो नजरिया बंद लो, इट्स लाइक करो यार, इट्स नॉट। हमें ये सोचना बंद करना पड़ेगा कि दुनिया क्या सोचती है। मैं दुनिया के बारे में बोलता हूँ कि अगर भगवान उतर के नीचे आ जाएगा ना, वो बोलेगा ना मैं भगवान हूँ, तो लोग कहेंगे क्वेश्चन मार्क कर देंगे, अरे चलना है यार क्या मजाक कर रहे हैं। तो तुम्हें खुद पे बिलीव करना चाहिए, आई थिंक लोगों का नहीं सोचना चाहिए। लोग कभी तुम्हारी तारीफ करेंगे भी नहीं, और जो करेंगे वो सिर्फ घर वाले होंगे, और वही मैटर करते हैं। Absolutely.